हेलो जी, वेलकम टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आई नो यू माइट बी वंडरिंग वेयर आई हैड बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैवंट मेड एनी वीडियो। इट्स बीन 3 or 4 months अगो व्हेन आई लास्ट अपलोडेड माय वीडियो एंड देन आई क्विट एंड नाउ आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो नाउ। सो हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ यू। आज की ये वीडियो मेरी प्रैक्टिस वीडियो है। इस वीडियो में मैं डबल रोल प्ले करूँगा। एक मैं जिसको आप सभी लोग जानते हो, नॉर्मल हसन न्याज जो आपसे मिलता है, आपसे बातें करता है। एक हसन न्याज जिसको आप लोग नहीं जानते, जो आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा, जिसको सिनेमेटोग्राफी का शौक है, जिसको वीडियोग्राफी का शौक है, जिसको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। आज उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी गो फर्दर। 3, 2, 1। वाओ, मैजिक। यस, इट्स मैजिक। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। डू यू नो व्हाई आई ब्रॉट यू हियर? या, आई डेफिनेटली नो। सो कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ? या या, श्योर। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको ये वीडियो बनाने का शौक किधर से पैदा हुआ? ये बचपन से था या ये शौक अभी पैदा हुआ? एक्चुअली मैं ये शौक बचपन से था, मतलब कि बचपन से कीड़ा सा था, लेकिन ये किसी वजह से, मतलब कि ये शौक उभर कर सामने नहीं आया। लेकिन जब अभी मैंने इरफान जुनेजो, तैमूर मोरू, हमजा इब्राहिम, इनकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की हैं, इनके व्लॉग्स देखने स्टार्ट किए हैं, सो नाउ आई थॉट आई शुड मेक वीडियोस नाउ। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस माय होल जर्नी। ओके, सो नाउ टेल मी दिस कि वेयर यू हैड बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि इतना 3-4 महीने तक आपका कोई अता पता नहीं, ना यूट्यूब पे कोई वीडियो आ रही है, तो इतना लंबा अरसा आपने कहाँ गुजारा, आप किधर थे? यार एक्चुअली मैं जब कोरोना आया, जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया, तो रमज़ान से पहले बहुत अच्छी रूटीन थी। मैं सुबह 5 बजे उठता था, सुबह सवेरे एक्सरसाइज करता था, दिन को किसी न किसी तरीके से प्रोडक्टिव बनाता रहता था। तो मतलब ये है कि अच्छे आइडियाज़ आते रहते थे, तो मेरे वीडियोस जो हैं वो मुसलसल आ रही थी। तो बीच में रमज़ान आ गया, रमज़ान में यू नो कि सारी रूटीन चेंज हो जाती है, सोने की, जागने की, खाने की, पीने की सारी रूटीन चेंज हो जाती है। एंड देन आई कुड नॉट बी एबल टू गेट बैक ऑन ट्रैक, सो दिस वॉज द बिग रीज़न आई वुड से। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी दोबारा ट्रैक पे आ रहा हूँ, दोबारा सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिए, एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट कर दिए, और वीडियोस अभी फिर दोबारा बन रही हैं। सो इट्स मीन कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले आपने सुबह 5 बजे उठना है, लाजमी बात है। आई विल मेक अ वीडियो, कम्प्लीट वीडियो ने। ओके, सो अभी मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जो न्यू क्रिएटर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो यंग लड़के आ रहे हैं, उनके ख्याल में ये होता है कि जब तक हमारे पास एक अच्छा इक्विपमेंट नहीं होगा, हमारे पास अच्छा सेटअप नहीं होगा, तो हम काम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। सो क्या आपको लगता है कि एक अच्छा इक्विपमेंट डज रियली मैटर्स? मेरे ख़्याल में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लिमिट करती है, वही चीज़ अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, उसमें बेस्ट पुट करो, तो वही चीज़ कल जाके आपको एडवांस करती है। मतलब क्या, अगर आपके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, अच्छा मतलब कि सेटअप नहीं है, सिर्फ आपके पास मोबाइल, अगर आप मोबाइल से वीडियोज़ बना रहे हो और उनमें अपना बेस्ट पुट कर रहे हो, तो कल जब आपके पास DSLR आएगा, मतलब कि ड्रोन, DSLR, अच्छा सेटअप, अच्छा PC, तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप जब उनमें वही बेस्ट वो उनमें पुट करोगे, सो दैट गोना मेक ह्यूज डिफरेंस। सो फिर तो आप फाड़ के रख दोगे। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आपका ये वीडियो बनाने का जो जर्नी है, जो सफ़र है, ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा या आप
इसको कंटिन्यू रखोगे? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि देयर इज़ अ बिट मोर कॉम्पिटिशन ऑन यूट्यूब, न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे आप कर पाओगे ये सब? गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर ऑल मनी। मुझे ये अच्छा लगता है, दिस इज़ माई पैशन। मैं वीडियो बनाना, वीडियोग्राफी करना, सिनेमाटोग्राफी, ये मेरा शौक़ है। तो मैं आई एम डूइंग दिस फॉर माई ओन हैप्पीनेस। आई एम नॉट डूइंग दिस ऑल स्टफ़ फॉर मनी। सो जब तक आप किसी चीज़ में कोई एक्सपेक्टेशंस पुट नहीं करते हो, तो तब तक आपका काम चलता रहता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में एक्सपेक्टेशंस पुट कर देते हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती, तो देन आपका दिल भर जाता है और आप कहते हो कि आई शुड स्टॉप इट नाउ राइट देयर। तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग दिस ऑल फॉर माई ओन हैप्पीनेस, एंड ये सफ़र जारी रहे। वाओ, गुड टू हियर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर कीमती टाइम। यू ऑलवेज ऑलवेज माई प्लेयर। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ इट्स टाइम टू गो। दिस वॉज मी, एक्चुअल मी, जो आपको YouTube पे मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो, कोई आपने मिस्टेक या कोई गलती पकड़ी हो, तो बजाय उसको जज करने के, उसको ऐसे इग्नोर करना जैसे नहाते हुए अपनी कमर को कर। आई शुड गो।